एक्टिव्स, नेचुरल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम, नेचुरली हम जब अवॉइड करते हैं, पीरियोडिक एब्स्ट्रक्शन, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एनोरिया. ओके, या पढ़ लेना. एंड मैं ऊपर ऊपर से वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, इसलिए ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ. आप पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आप उसको एक बार रिवाइज करना है बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले. ये नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करेगा. आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी एक दो दिन के अंदर. मुझे लग रहा था वो जो मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ वो काफ़ी लंबी लंबी वीडियो जा रही है, आपको बस इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स दी जा रही है जिससे कि आप अपना चैप्टर जल्दी तैयार कर सकते हैं. देन बैरियर, हाँ बैरियर से हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी कैसे कैसे रोकते हैं, कॉन्डम से, डायफ्राम से, सर्विकल कैप से, वॉल रबर से, टू कवर सर्विक्स फॉर फीमेल्स. एंड कॉन्डम्स होते हैं रबर लेटेक्स होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, बोथ बाय मेल एंड फीमेल, सेमेन वुड नॉट एंटर. ओके, IUD इंट्रायूटराइन डिवाइसेस. ओके, ये तीन फॉर्म्स में होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग. ओके, इसके एग्जांपल है CUT, CU7, मल्टी लोड, 375 सप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी. एंड जब हम पिल्स लेते हैं, पिल्स प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये होते हैं इनिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को, और ऑल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म. एंड देन इसकी एक और एग्जांपल है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल है, वंस अ वीक पिल है, फ्यू साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके. ओके, देन स्टरलाइजेशन, ये सारे हमारे प्रोसेस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस. ओके, देन MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये होती है सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एंड STD, VT, RTI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, ये आपको याद रखना है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडिमनस और क्लेमाइडियसिस, सॉरी जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स. एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इचिंग, फ्लूड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन. ओके, देन हम आते हैं ART पे. व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी आप प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, AIP एंड ऑल पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, उसको आप ART कर लीजिएगा. ओके, देन ART, ZIFT, जायगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब. व्हाट इज IUT? एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स इनटू यूट्रस. IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. टेस्ट ट्यूब पे भी प्रोग्राम इसका एग्जांपल है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इसका एक मतलब फॉर्म है. GIFT, ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, विद हु कैन नॉट प्रोड्यूस बट कैन प्रोवाइड एनवायरमेंट फ्री. ओके, ICSI, ये भी हमारा एक ART का फॉर्म है. एंड AIN IUI, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये है आपका कॉन्सेप्ट मैप. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, STD होती है, MTP होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव ये होते हैं, सर्जिकल पिल, IUD, बैरियर, नेचुरल, ART कौन सी होती हैं, IVF, ET, IUT, ZIFT, GIFT, ICST, AI और IUI. बस दैट्स इट इन 4 chapters, दैट्स इट. आपको बस स्मार्टली प्रिपेयर करना है सब कुछ. चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. फ्लो चार्ट है, सेक्स डिटरमिनेशन, XX, XO, ये मेल फीमेल होते हैं. इसमें एग्जांपल है ग्रास ऑपर, मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी. देन XX, XO, ये हमारे मैन में हो जाता है. ओके, एंड ZZ, ZW, जब भी आपको बोलेंगे कि बर्ड्स के अंदर हम कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे, तो ZZ मेल में होता है, ZW फीमेल में होता है. ओके, एंड इसमें मेल हेट्रोगेमिटी होती है, फीमेल होमोगेमिटी होती है. ओके, ये हेट्रो और होमो आएगा, इस आपको समझ में आ रहा होगा, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम. एंड इसमें मेल हेट्रोगेमिटी होती है, फीमेल होमोगेमिटी होती है. देन इसमें फीमेल हेट्रोगेमिटी होती है एंड फीमेल होमोगेमिटी होती है. ओके, देन सॉरी यहाँ पे मेल आएगा, फीमेल हेट्रोगेमिटी एंड मेल होमोगेमिटी. ओके, यहाँ प्रिंटिंग एरर है. जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन में सिकल सेल एनीमिया आ जाता है एंड ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव आ जाती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एंड मायोटोनिक डायट्रो डिस्ट्रॉफी एंड कलर ब्लाइंडनेस. ये सारी फिनाइल कैप्टनूरिया, थैलेसीमिया, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये थैलेसीमिया के पार्ट्स हैं. ये सब आपको इसमें आ जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में. एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं एनिप्लोडी एंड पॉलीप्लोडी. ठीक है, देन हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, एंड देन फिन वैन वी मूव फर्दर थ्रू चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट मैप पे, तो मेंडेलियन के जो लॉ थे इनहेरिटेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड वन जीन जो प्रिंसिपल क्या थे, म्यूटेशन ऑन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में वन जीन जो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर सकता था, को डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस एंड इनहेरिटेंस 2 जीन, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, देन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबिरेशन. सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता था आपको अभी बताया था, XX, XO, ग्रासोपोर इसका एग्जांपल होता है, XX, XY इसमें होता है. ओ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ओ लगता है, नहीं, ओ है मतलब वो पार्ट,
एम्प्टी है, वहाँ पे एम्प्टी पन की जगह पे हम लगा देते हैं ओ. जेड 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 डब्ल्यू बर्ड में है और एक्स 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 वाई मैन में, यानी कि ह्यूमंस में है. डाइहाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक डिसऑर्डर का मेंडेलियन क्रोमोसोमल, आपको ये बताया, हेमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कैप्टिन यूरिया डाउन सिंड्रोम, किनेफिल्टर्स सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ओके, देन वेन वी मूव फर्दर टू चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज इट्स फ्लो चार्ट, डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट शुगर. देन ये आपका पूरा है फ्लो चार्ट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स अ पढ़ के नहीं बता रही हूँ. ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स, कैटेलिटिक एंड स्ट्रक्चरल रोल, कोडोन्स टू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएचओ फैक्टर. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्या सर्च होता है, एक्सपेरिमेंट हुए थे. ओके, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के एक्सपेरिमेंट क्या, कौन से एक्सपेरिमेंट थे, हर्शी एंड चेस का एंड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. ओके, ये सारे आपको ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट और हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट सारे इसी फॉर्म में आपको लिखना है. ये ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन करके कुछ लिया था, देन इधर इसने हर्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज से किया था, रेडियो एक्टिव फेज में लिया था. साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड के क्या है, ये ट्रिपलेट होता है, ये अनबिगियस होता है, स्पेसिफिक होता है, कोड इज डीजेनरेट होता है, कॉन्टीजिनियस होता है, नंबर पंचुएशन यूनिवर्सल होता है, एयूजी डॉल फंक्शंस होते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन मेथड क्या थे उसके, सेमी कंजर्वेटिव, वन स्टैंड पेरेंटल, द अदर स्टैंड इज न्यूली सिंथेसाइज. प्रूफ क्या था, ईकोलाय. ओके, ईकोइल वॉज ग्रोन इन एन मीडियम एज अ रिजल्ट एंड गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यूली सिंथेसाइज, यही इसका सारा रिजल्ट है. ओके, गोल्स क्या थे एच जी पी के, आइडेंटिफाई जीन्स इन ह्यूमन डी एन ए, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पे, आपको सारी वैल्यूज जो है याद रखनी पड़ेंगी, स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डाटा बेस, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू. ओके, एथिकल लीगल एंड सोशल इशू, ये आपका ELSI की फुल फॉर्म हो जाएगी. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या थी, किसने की थी, डेवलप बाय एलेक जेफरी, आपको कभी कभी ये भी आ जाएगा, एलेक जेफरी ने जो किया था, जो मेथड उसने प्रिपेयर किया था, जिस तरीके से उसने किया था उसको एक्सप्लेन करें. IDETHA स्टेप्स थे उसके, इसको आप याद करते हैं, इढ़े था जैसे हरियाणवी में आप सब कहते होंगे अड़ेया, अड़े था उसी तरीके से इढ़े था. आइसोलेशन, डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग, ओके, हाइब्रिडाइजेशन एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज DNA, ऑटो रेडियोग्राफी. देन जीन रेगुलेशन में आता है आपका लैक ऑपरॉन, जो कि रेगुलेटरी जीन होता है, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYNA, Z जो होता है बीटा गैलेक्टोसिडेस होता है, Y परमियस होता है, A ट्रांस एक्सिटलाइज होता है, रिप्रेसर प्रोटीन, RNA पॉलीमरेज रिप्रेसर. ओके, सो गाइज इस वीडियो में आपको ये लास्ट चैप्टर समझा रही हूँ, अगले वीडियो में आपको बाकी के चैप्टर्स मिल जाएंगे. अगर आपको जल्दी वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. देन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स इसके होते हैं, 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, प्रिक्यूसर ऑफ RNA, ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा. प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसलेशन से, और आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेशन यूज़ होता है, इसमें भी हमारे वही पार्ट्स होते हैं. देन हम जाते हैं चैप्टर 6 में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैप. ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये इस सेंटर में पूरा चैप्टर है, इसके आसपास आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपना. ओके, बस. एंड देन 7th चैप्टर हमारा आता है एवोल्यूशन, ये आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी. तब तक के लिए बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, अभी काफ़ी दिन है आपके पास, जितना जल्दी हो सके अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए ताकि आपको रिवीजन के लिए 1 से 2 दिन मिल जाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए 1 से 2 दिन मिल जाए, उसी 1 से 2 दिन में आप सारा कुछ प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके, सो बाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, न्यू वीडियो जल्दी आ जाएगी, आपको सारी कॉन्सेप्ट मैप अच्छे अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लग रही है वीडियो, और आपको ये कॉन्सेप्ट मैप हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.